Hi everyone, I'm Masarrat Misbah. I've been in the field of beauty for the last 36 years and I've teamed up with Veet Academy. Aaj hamara module hair and skin care ke upar hai. This is part of our course which is top to toe beauty and I'm sure ke aap isse bahut kuch seekhenge. Because when we talk about skin, we are actually talking about how to take care of it. Jab aap skin ka khayal rakhte hain to aap khoobsurat bhi lagte hain and you feel good also, confident also. Jisme aapko you must know number one, very important, hygiene. Most important aspect of taking care of yourself and grooming yourself is of course hygiene. Jab aap skin ke hawale se baat karte hain to aapko pata hona chahiye ki aapki skin oily hai, dry hai, combination hai ya sensitive hai. Aur agar aapko pata chal jaye to aap products jo hai wo usi hisab se choose karte hain, uski application jo hai wo aap accordingly lete hain. Make your life easy. आप ऐसी चीज़ें करें जो कि आसान हो आपके लिए, time consuming ना हो, और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो भी चीज़ आप apply कर रहे हैं आपके अपने चेहरे और बालों की investment है, which means कि आप कहीं compromise ना करें, कोई ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें चेहरे पे या बालों पे जो कि आपके बालों को और चेहरे को नुकसान पहुँचा सकती हैं. When we talk about hair, बालों में आपको पता है कि we use a lot of electrical gadgetries, ड्रायर्स इस्तेमाल करते हैं, टोंग्स इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हैं. हमें उसके साथ प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करने चाहिए ताकि बाल जो हैं वो ओवर प्रोसेस ना हो जाए, ओवर ड्राई ना हो जाए. आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो आपका शैम्पू आपके स्कैल्प की कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए. इफ़ यू गॉट ऑयली स्कैल्प, इसका मतलब ये भी है कि आपके डेंड्रफ भी हो सकता है. और अगर डेंड्रफ और ऑयल के साथ आप देखें तो नॉर्मली फोरहेड जो है उसमें भी ऑयल नज़र आने लगता है, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं. सो मेक श्योर यू कीप योर स्कैल्प क्लीन. यू कैन यूज़ शैम्पूज जो कि माइल्ड हैं सो दैट यू कैन यूज़ देम एवरी डे ऑल्सो. एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी टिप है कि आप अपने बालों को जब ऑयल करते हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अच्छा होता है. यू कैन अप्लाई ऑलिव ऑयल, मसाज इट इन एंड लीव इट ऑन फॉर अबाउट 40-45 मिनट्स. उसके बाद वॉश ऑफ कर लीजिए. आप चाहें तो आप घर में मास्क भी लगा सकते हैं ऑयली स्कैल्प के लिए, ड्राई स्कैल्प के लिए. 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करिए और उसके बाद वॉश ऑफ कर लीजिए. ऑलवेज़ यूज़ प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी के साथ इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा बालों को ब्रश करना बहुत अच्छा होता है. रात को सोने से पहले ब्रश करिए, उससे जो स्कैल्प में सर्कुलेशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं. बट फॉर हेल्दी हेयर, फॉर हेल्दी स्किन, आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. You have to take care of your diet also. Exercise is also very important. And of course, getting proper rest is also very important. Hair and skin care regime jo hai na wo zara challenging hota hai kyunki hum zara we get carried away. Har roz humne apne baalon ko dry bhi karna hai, blow drying bhi karni hai, humne straightening bhi karni hai, isi tarah se makeup karte hain aur uske baad usko cleanse karna bhool jate hain. So it is very important ke jo kuch bhi hum apply kar rahe hain, jo bhi products hum choose kar rahe hain, वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप और हेयर स्कैल्प टाइप होने चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने बालों को वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह आपके बालों की जो हेल्थ है वो ज़रूर मुतासर होती है. ड्राई हो सकते हैं, अगर आपका केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वो भी नुकसानदेह हो जाता है. एंड सेम गोज फॉर द स्किन ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है वो चेहरे के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए. सो इस मॉड्यूल में आई एम श्योर कि आप अपने हेयर का और स्किन केयर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे विद डिफरेंट टिप्स टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर एंड टू टेक केयर ऑफ स्किन. अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से फेशियल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं.